प्रधानमंत्री जी ने हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन जी ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नया मॉडल दुनिया को दिया, मोहल्ला क्लिनिक का, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए, आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज, दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाई अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सत्येंद्र जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद यह था कि सत्येंद्र जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए। कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है,
जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले, मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है, आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफ़ी चर्चा हुई है। एक और चीज़ है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको चार लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए, यही तो आरोप है। मोटे मोटे तौर पर आरोप तो यही है, इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में 1-2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं, 1-2 लाख, 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलए और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। अभी जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। सारे नेता उतरेंगे जमीन पे, सारे नेता उतरेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जन संवाद करेंगे और पूरे देश के अंदर होगा। नहीं बिल्कुल, मैं 4 तारीख सैटरडे संडे जा रहा हूँ, बात आप चलना सारे मेरे साथ। वो यही तो चाहते थे कि काम रुक जाए, काम रुकने नहीं देंगे किसी हालत में, एक मिनट के लिए काम नहीं रुकेगा। हमारे पास तो बहुत वॉलंटियर्स हैं, जनता साथ है, आप साथ हैं हमारे। ऑब्वियसली वी विल मिस आर लीडर्स, लेकिन और बहुत लीडर्स हैं। अब तो पंजाब में बहुत लीडर्स हैं, दिल्ली में बहुत लीडर्स हैं, गुजरात में बहुत लीडर्स हैं और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जनता, करोड़ों लोग साथ जुड़ रहे हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में और दो नए मंत्रियों के नाम ओथ लेने में, अभी तक एक्सपीरियंस ये है कि 20-25 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये जो कल विभाग दोनों में बांटे गए, ये टेम्पररी है 20-25 दिन के लिए, उसके बाद एक थोड़ा सा रीशफल कर लेंगे सबको बराबर बराबर से। हाँ, वो उसका सत्र से कोई लेना देना, वो 3-4 दिन में, वो तो उसमें कुछ है, वो डिप्टी सीएम की वजह से नहीं रुका, वो आज
वो नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने आज ही पूछा था तो वो बता रहे हैं उसमें कुछ छोटे मोटे है, मंडे को शायद उसका इनॉग्रेशन होगा। उनको कहने दीजिए, जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं वो लोग। दिस नो क्राइसिस नंबर वन। एंड आम आदमी पार्टी क्या है, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। आज आम आदमी पार्टी देश के लिए जो कर रही है, लोगों के लिए जो काम कर रही है, वो जरूरी है, उस काम का फैलना जरूरी है। ये नेक्स्ट वीक से, यही तो वो यही चाहते हैं, ये नहीं होगा। थैंक यू।